तमाम देखने वालों को फैमिली कुकिंग एक्सप्रेस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल दाल चना बनाने वाले हैं। दाल चना बनाने के लिए हम एक कप ऑयल लेंगे, दो बड़े हम टमाटर लेंगे और उनका पेस्ट बना लेंगे, एक बड़ा प्याज लेंगे हम, साथ हम दो स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, वन टेबल स्पून हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे, वन टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लेंगे हम, हाफ टी स्पून हम अजवाइन लेंगे, हाफ टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे, नमक हम वन टेबल स्पून लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, हाफ टेबल स्पून हम गरम मसाला लेंगे, ये होममेड गरम मसाला है। होममेड गरम मसाले की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। वन टी स्पून हम कुटी हुई काली मिर्च लेंगे, वन टेबल स्पून हम काला ज़ीरा शामिल करेंगे, इसे शाही ज़ीरा भी कहा जाता है, पाँच साबत हरी मिर्चें लेंगे और चार साबत लाल गोल मिर्च लेंगे। एक कप हमने चने की दाल ली थी, उसे अच्छे से धोकर हमने एक घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल भिगोते हुए आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश करें कि नीम गर्म पानी में इसको भिगोएं। हमने दाल को बॉयल करते हुए इसमें नमक ऐड नहीं किया। एक तरफ दाल बॉयल हो रही है, अब दूसरी तरफ दाल का मसाले का के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ऑयल की साउंड चेंज होगी हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। माशाल्लाह प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। प्याजों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर हम फ्लेम मीडियम रखेंगे। हमारे प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट के लिए हम लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें काला ज़ीरा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला ज़ीरा अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटरों की अच्छी सी भुनाई करने के बाद अब हम इसमें तमाम मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया और अजवाइन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई करेंगे और वक्फे वक्फे से इसमें पानी शामिल करते रहेंगे। मसाला जितना अच्छा बना हुआ होगा उतना अच्छा जायका आएगा। इस स्टेज पर हम फ्लेम मीडियम रखेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हमारी दाल बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं। जिस पानी में हमने दाल को भिगो के रखा था उस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसी पानी में ही हम दाल को बॉयल करेंगे। जब हम दाल को उसके अपने पानी में ही बॉयल करेंगे तो दाल का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ऑयल की तरी ऊपर आ चुकी है और इस बात की निशानी है कि हमारा मसाला मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को बॉयल करने के बाद आपने छलनी में छानना नहीं है, बल्कि दाल का बॉयल किया पानी थोड़ा थोड़ा उसमें शामिल हो, जो हम इस तरह से मसाले में शामिल करेंगे दाल के साथ। कुछ लोग कच्ची दाल को मसाले के अंदर ही बॉयल करते हैं, उस तरीके से दाल की तरी ऊपर नहीं आती और वो देखने में अच्छा नहीं लगता। आज हम आपको दाल बनाने का जो तरीका बता रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इसी तरीके से दाल बनाई जाती है। दाल डालने के बाद के प्रोसेस में हम फ्लेम बहुत ही लो रखेंगे और बहुत ही हल्के आंच पर इसे आगे कुक करेंगे। 3 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स में आप जो दाल बहुत शौक से खाते हैं वो इसी तरीके से बनाई जाती है जो मेथड हमने आपको आज स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लुक आई है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि ऑयल की तरी बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऊपर आ चुकी है, दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है और एक एक दाना साबत है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून काली कुटी हुई मिर्च डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बहुत ही लो कर देंगे और हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। दाल हमने दम पर इसलिए रखी है ताकि दाल में मसाले का जायका बहुत अच्छे से शामिल हो जाए और ऑयल की तरी ऊपर आ जाए। दाल को दम आ चुके है, दाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HBS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।